आज ना छबड़िया नहीं, कहाँ छबड़िया होगा तुम्हारा, हरामी लोग जो ठहरे तुम साले। भाई ये मेरे एयरफोन खराब हो गया भाई, कितना बिजी बैठा है, आवाज नहीं आई, सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, सुन नहीं रहा था। हरामियों, जब तुम्हें मालूम है कि वो वीडियो जो मैंने कल पोस्ट करी है वो सेकंड चैनल के लिए रिकॉर्ड कर दी, बट कोई तो रीजन है ना कि खराब ऑडियो होने के बाद भी मैंने गैली पे डाला उसे। अबे क्योंकि उसका सेकंड हाफ बहुत फनी लगा था मुझे, क्योंकि मैंने एडिट की है, मैंने रिकॉर्ड किया यार। तुमने पहन के शुरुआत का कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट खराब है, छोड़ दिया, देखना ही नहीं है। अबे फिर डाली क्यों लो, छोड़ देता हूँ, वीडियो डालना छोड़ देता हूँ साला, ना डालू तो भाई वीडियो क्यों नहीं आई बता दो। अबे भाई तेरी वीडियो देखे मेरी नींद नहीं आता साला, कितना नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाया भाई, बहरा हूँ मैं, आवाज ही नहीं आ रही तो साले मुझे आ रही, तुम्हें कैसे नहीं आ रही बेवकूफ लोग, और तुम्हारी बेवकूफी यहाँ खत्म हो जाए, पाप लगे तुम्हें। देखो इतना गाली सुन लिया उसके बाद भी लाइक नहीं किया तुमने, मालूम ना मुझे, क्योंकि खुद की बुद्धि यूज कर ली। अभी दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली एमए वनडे वर्सेस रफ्तार, क्योंकि एमए वनडे ने रफ्तार को डिस कर दिया था, और मुझे नहीं मालूम लोगों ने क्या देखा या क्या सुना, बट एक चीज तो मैं क्लियर हूँ, लोग सुनते वही हैं जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम उस वीडियो को ध्यान से देखो और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो तो मैं पता रहेगा कि मैं एमए वनडे को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा कि रफ्तार की चाट रहा है तू, पागल है क्या, सुन तो ले क्या बोला मेरे वीडियो में। मैं क्लियर कट बोला है कि इसमें एमए वनडे बिल्कुल सही है, उस गाने में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, बट एमए वनडे ये डिस करना पूरा डिजर्व करता है, क्योंकि पिछले 2 साल से उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इग्नोर किया है और लोग उसे पोक करते रहे हैं, और 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी के लिए भी है कि कोई बैक टू बैक तुम्हें पोक कर रहा है और तुम इग्नोर कर रहे हो। हम ये बात भूल नहीं सकते कि एमए वनडे भी एक इंसान है, उसे भी सब सुनने को मिल रहा है और इफेक्ट करता है इस चीज, तो इसलिए मैं कभी भी अभी चाहे रफ्तार इस पर डिस कर दे, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने पोस्ट भी किया था शेख चिल्ली 2.0 करके 2.0 करके कुछ भी, तो मैं कहीं से भी एमए वनडे के खिलाफ नहीं हूँ, और इवन आने वाले टाइम में अगर कोई रिस्पॉन्स करता है इस डिस का तो भी मैं गाने से मजे लूंगा, और मैं सपोर्ट एमए वनडे को करने वाला हूँ इस टाइम। लास्ट टाइम मैं भले ही एमए वनडे से ड्रामे में मजे ले रहा था, मैं मजे की साइड से हूँ इस पॉइंट पर, चाहे कुछ भी हो जाए एमए वनडे गलत नहीं है, बस मुझे लगता है जो शब्द यूज कर रहा है, जैसा मेरे ख्याल से थारा भाई जोगिंदर ने बोला, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट अभी थारा भाई जोगिंदर फुकरा इंसान के साथ स्ट्रीम कर रहा था इंस्टाग्राम पे, वहां पे उसने जो बोला मैं एग्जैक्टली वही बोलने की कोशिश कर रहा था। एमवी भाई ने ना थोड़ी गाली वगैरह यूज काफी किया डिस्ट्रैक्ट में, उनको वो करना नहीं चाहिए था। मैं गालियों के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो स्पेसिफिक वर्ड एज एन हम अब्यूज ले रहे हैं मैं उन वर्ड्स के खिलाफ हूँ। गालियां तुम दो बट वो वर्ड्स की मीनिंग अगर तुम देखोगे वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, तो इसलिए मेरे को उन वर्ड्स से प्रॉब्लम थी, बाकी ओवरऑल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता नहीं किसी को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, तुमने बहुत किया है, ये बहुत कम है रिटर्न में जो दिया है एमए वनडे ने, सो नो मैटर व्हाट तुम मुझे बोलो रफ्तार की चाट रहा है या एमए वनडे की चाट रहा है, क्योंकि तुम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पे एमए वनडे सही है, प्रॉपरली सही है, उसका डिस करना पूरा हक था उसका, और इवन मेरे ख्याल से एमए वनडे ने भी अभी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है डिवाइन की फोटो के साथ, क्योंकि तुम्हें मालूम है अभी ग्रैमी हुआ जिसके लिए ग्रैमी को बहुत ज्यादा गालियां पड़ी हैं, क्योंकि पहले ऑस्कर ने लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट नहीं दिया था, और अब ग्रैमी अवार्ड्स में भी लता मंगेशकर का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई मेमोरीज के बारे में बात नहीं कही गई, जबकि लता मंगेशकर वन ऑफ दी वर्ल्ड फेनोमेना थी म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो उस पर तो कंगना रनौत बोल के चले गए, अरे बॉयकॉट करो साले हरामी है बेवकूफ। मैं कहा तू ये क्यों बोल रही है, ग्रैमी वाले पलट के बोल देंगे तब कंगना तेरा मी छानू कर ये छारे, तब क्या कर लोगी तुम। पॉइंट इज डिवाइन ग्रैमी में अवेलेबल था, पहुंचा हुआ था वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, इंडिया रैप सीन को रिप्रेजेंट करते हुए, और उसी पे वनडे ने एक स्टोरी डाली कि हाँ ऑल्दो ये डिस नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं होना चाहिए, डिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं भी एक इंसान हूँ और 2 साल से बैक टू बैक ये चीज़ की जा रही थी मेरे साथ, और मैं भी एक इंसान हूँ, कितना कंट्रोल करूँगा, तो इन सबको साइड रखते हुए एक अप्रिसिएशन पोस्टर डिवाइन के लिए कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रैप सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ओनली डिस, रैप एक रियलिटी रिप्रेजेंटेशन है रिदम एंड पोइट्री के साथ, जहाँ पे तुम अपनी लाइफ और जो तुम देखते हो उसको रिप्रेजेंट करते हो, और एमए वनडे डिवाइन ये सब करते आ रहे हैं, इवन रफ्तार ने भी किया हुआ है, और जब से वो कमर्शियल किया तब से मैं कुछ नहीं कह रहा, जो चीज़ दो लोगों के बीच में थी उसमें बाकी लोगों का आना ज़रूरी नहीं था, और यहाँ पे वनडे बिल्कुल सही है, सो जो भी उस वीडियो में रफ्तार का चमचा या वनडे का चमचा बोल रहे हो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट सही होना है, चाहे उसके लिए मुझे अकेला खड़ा होना पड़े, लास्ट टाइम मुझे रफ्तार से लगा था मैं उसकी साइड में था, इस टाइम वनडे सही है तो मैं वनडे की साइड में रहूँगा। भैया देखो हम किसी की चाटते नहीं है, अगर वो अपने दम पे बने तो हम भी अपने दम पे बने, हमें किसी की जरूरत नहीं होती, ट्रू स्टोरी ब्रो। नेक्स्ट न्यूज़, ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस पायल ज़ोन, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है ट्रिगर्ड इंसान ने एक
रोस्ट और काइंड ऑफ रेंट वीडियो निकाली थी पायल जोन के लिए, बट जब उसके बारे में ब्लॉग में बात कर रहा था सौरभ जोशी के, तो उसके बाद ही पायल जोन ने एक वीडियो डाल दी थी रिस्पॉन्स में कि मैं भी उसके लिए करती हूँ, ये भी सब करते हैं तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, बकवास। सच में CLW ले पायल जोन, पहन के दिमाग है नहीं, पता नहीं आ जाते यूट्यूब पे साले, खुद के एक्शंस का कभी कोई समझ में नहीं आ रहा, बट अगर कभी कोई बंदा उसके खिलाफ कर देगा ना, वुमन कमीशन ऑफ आ जाएगी, हाँ भाई FIR मारो। अबे ये क्या भेदभाव है भाई, कि वो कुछ भी करे चलेगा हम करेंगे तो बताओ कैरेक्टर डील हमारा, ये क्या बात हुई। सो अभी ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो के बाद पायल जोन ने वापस एक एक्सपोज वीडियो डाल दिया ट्रिगर्ड इंसान को, कि ट्रिगर्ड इंसान ने उससे माफी मांगी थी, किस बात की है, किस बात की, तुम्हारा पैर कट गया उस बात की है, तुम लूली लंगड़ी हो गई इस बात की, या तुम्हारा घर बर्बाद हो गया सौरभ जोशी की इस बात की, बकवास औरत भाई। गॉड, इसलिए मैं कहता हूँ इक्वल राइट, अगर लड़कों को गाली पड़ी लड़कों को भी इक्वली गाली पड़नी चाहिए अगर वो बेवकूफ है, और ये बेवकूफ। तो न्यूज़ बॉय पहुंचा ट्रिगर्ड इंसान से बात करने के लिए कि क्या ये है, किस बात के लिए माफी मांगी थी, और ट्रिगर्ड इंसान ने बताया कि मैंने उसे 1 साल से ऊपर से ब्लॉक कर रखा है, तो जो भी वो स्क्रीनशॉट दिखा रही है वो नकली है। मैं चप्पल फेंकने के मारने का मन करा मेरा पायल जोन को, क्या है यार भाई गॉड, मैंने गाली देना बंद कर दिया, वरना इस पॉइंट पे इतनी गंदी गालियां होती ना जो तू कमेंट में पढ़ते मैं रियल लाइफ में दे सकता हूँ पर मैं देता नहीं हूँ आजकल। अरे देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मान लिया सबको व्यूज चाहिए, बट एक तरीका होता है व्यूज लेने का। अगर तुम ऐसे फेमस हो गए, जो ट्रिगर्ड इंसान तुझे पहले समझा चुका है, अगर तू ऐसे फेमस हो गई तो क्या फेमस हो गई, कोई इज्जत नहीं कर रहा ना तुम्हारी, और लड़कियों का तो कहते हैं ना गहना ही इज्जत होती है तो उसे खुद ही क्यों बर्बाद कर रही हो तुम। अबे बदनाम हुए तो नाम हुए सब जानते हैं, बट एक तरीका होता है, अबे कछुआ बन के चलो बट धीरे चलो, स्लोली चलो बट रिस्पेक्टफुली चलो, खरगोश बनने की जरूरत नहीं होती तुम्हें हमेशा। अब ये जो किसी को समझ में नहीं आएगा, जोक भी नहीं है तो बात है, ज्ञान है। और न्यूज भाई, क्या न्यूज चलाऊँ घर से मैं, अबे पूनम पांडे पे, पूनम पांडे के बना पूनम पांडे, तुम्हें याद लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में सेकंड चैनल बताया था मैंने लॉकअप रिव्यू करते हुए, कि पूनम पांडे पे चार्जशीट लगी थी, मतलब बेसिकली वो बॉटम में थी तो वोट लगने थे, पब्लिक वोटिंग होनी थी, तो उसने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे वोट देके बचा लोगे ना तो मैं टी शर्ट रिमूव कर दूंगी। अबे जोक थोड़ी कर रहा हूँ, बताया था मैंने, तुमने देखी नहीं सेकंड चैनल की वीडियो, अबे कल की वीडियो से ज्यादा मेरे सेकंड चैनल की वीडियो चली थी वो। तो फाइनली पूनम पांडे बच गई, और इस बार वर्ल्ड कप की तरह नहीं कि उसने एक्चुअली टी शर्ट रिमूव करी, भले इनर वेयर पहना हुआ था बट जस्टिफाइबल है, क्योंकि उसका कहना था कि अभी इसमें ना डिफरेंट एज ग्रुप देखते हैं और मैं लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहती। भाई अगर कोई ऑफेंड भी नहीं होता कोई नहीं होता, मतलब ऊपर ऊपर ही होते, अकेले बैठ के सब खुश हो रहे होते। भाई गॉड, बड़े हराम ही, मैं सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोगों ने ना दूसरी टाइप की जो वेबसाइट होती है उस पर सब कुछ देखा हो उसका, बट नहीं, यहाँ पे ही देख रहे हैं, वोट करके जाऊंगा। अबे कौन हो तुम लोग यार, इतनी हवस और इतनी डेस्परेशन लेके कहाँ घूम रहे हो, साला मेरी बंदी भी नहीं तो भी मैं इतना डेस्परेट नहीं होता, नहीं दिखाओ। साले ये वही लोग होते हैं जो उमेगल में रात में जाके नंगे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि हाँ कुछ दिख जाएगा। भाई ये रियल लाइफ है, पॉन मूवी नहीं चल रही, कुछ भी हो रहा है। साले ये वही लोग हैं जो स्कूल में बैठ के सोचते हैं बड़े होके प्लंबर बनना है, अबे कुछ नहीं मिल रहा भाई, उसको खाने को नहीं मिलता है कुछ भी। एक बात सबसे वियर्ड न्यूज़ पढ़ी है मैंने आज, सबसे ज्यादा वियर्ड है मेरे लिए। तो Washington DC में ना किसी रैपर की डेथ हो गई, मौत हो गई, तो मौत के बाद समझान वमझान करेंगे, श्राद्ध व्राद करेंगे, है ना, इंडिया में जैसे होता है, तो वहाँ पे फ्यूनरल होता है। तो फ्यूनरल में तुम क्या करोगे, फैमिली गैदर होगी, रिस्पेक्ट पे करेंगे, मेमोरीज याद करेंगे, कितना अच्छा इंसान था, क्या अचीवमेंट, ओह पूरी जिंदगी भर तुम्हारे जीते जी पूरे टाइम गाली दियो, बट मरने के बाद तुम्हारी तारीफ पक्का करेंगे 100%, झूठी सही बट करेंगे। भाई गॉड, जिसने गाना लिखा है ना पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, पक्का मौत को देख के लिखा है, तो ये नॉर्मल है, बट इनकी लाइफ मेंटो जिंदगी, इन्होंने जो बंदा मर गया है और यंग बंदा है जिसकी डेथ हुई है, वो रैपर था, तो उसको कॉफिन में सुलाने की जगह पे उसको स्टेज पे उसकी डेड बॉडी को, रियल डेड बॉडी, कोई वैक्स नहीं, कोई स्टैचू नहीं, रियल डेड बॉडी को कपड़े पहना के स्टाइल में खड़ा किया और पार्टी कर रहे हैं। भाई साहब मुझे तुम्हारा नहीं पता बट ये देख के मेरी फट गई, मतलब कूल है बट क्रीपी है यार, तुम्हारे सामने एक डेड बॉडी है और तुम नाच रहे हो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कभी मैं मर जाऊं तो मेरी जिंदगी को सेलिब्रेट करना, कि मैंने क्या किया और कैसे किया और क्यों किया, मैं कितना खुश रहा हूँ, मैंने कितनी खुशियाँ बांटी या कितना अच्छा किया है, मेरी बुराइयों को भी सेलिब्रेट करना कि हाँ मैं कितना हरामी और कितना कमीना इंसान था, बट ये बिल्कुल मत करना भाई, बिल्कुल भी नहीं, जलाना दफनाना बहाना जो करना कर देना, बट ये नहीं, तौबा तौबा तौबा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ तुम्हें, एक्चुअली क्रीप है, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें, वीडियो है ये पूरी मैंने देखी है। बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया और आज वो वॉइस खराब ना हुई हो। एक्चुअली कल की वीडियो मुझे बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने इस चैनल पर डाली थी, बाकी अगर तुम्हें कल वाली वीडियो पसंद नहीं आई तो ये वाली वीडियो देखो, बहुत मज़ेदार वीडियो है। सेकंड चैनल में मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मुझे भी मज़ा आता है, सो हम वैसे ही करने वाले हैं, दोनों चैनल को बैलेंस करते हुए चलेंगे।
तो अगर उधर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वहाँ डेली स्ट्रीम और डेली वीडियो आ रही है, यहाँ पे सिर्फ डेली वीडियो आ रही है। तो अगर एंजॉय किया इस वीडियो को तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कब, पता ही है। पीस आउट।